सभी को नमस्ते जी। आप सभी को पता है कि काम वासना कितनी खतरनाक है। ठीक जिस तरह इस पानी की झाल एक बार बहुत तेज गति से बहती है और जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है तो ये पानी शांत होता जाता है, ठीक इसी तरह काम वासना एक बार आप पर पूरी ताकत से बल लगाती है, आपको तोड़ने का प्रयास करती है, लेकिन आप डटे रहे, आपने मजबूती रखी तो आप काम वासना पर विजय प्राप्त कर ही कर लेंगे। तो इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि इस काम वासना की झाल को रोक दीजिए, एकदम इसके बहाव में मत आइए। थोड़ी सी देर बाद, कुछ समय बाद बिल्कुल शांत हो जाओगे और जीवन में ब्रह्मचर्य का विशेष आनंद लोगे, विशेष आनंद। आज ये चित्तौड़ा झाल मुजफ्फरनगर नंगला कबीर में हम आए हैं। हमारे पीछे ये हमारे धोती वाले और ब्रह्मचारी हैं, आप देख सकते हैं, ये हमारे आशीषार्य जी हैं। तो इसलिए भाई ब्रह्मचर्य में खूब मजबूती रखें, खूब मजबूत ब्रह्मचर्य पालन करें। और कोई बात नहीं, गलतियाँ हो जा करती हैं पर डरना नहीं है, संकल्प लेके फिर से नया जीवन शुरुआत करना है। मैं फिर कहता हूँ, फिर समझ जाओ, कहते ना मुश्किलें आदमी का हौसला आजमाती हैं, निगाहों से स्वप्न का पर्दा हटाती हैं। गिर गया तो क्या हुआ, गिर कर उठे इंसान, ठोकर ही तो चलना सिखाती हैं। तो गिर के पड़ा नहीं रहना है, फिर उठना है और फिर नए जीवन की शुरुआत करनी है। धन्यवाद, नमस्ते जी।